रस्सी के सहारे नदी पार करते बच्चे, भविष्य सवारने की कोशिश में जुटे बच्चे, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर ये बच्चे, नए भारत की तस्वीर, नए इंडिया की तकदीर। जी हाँ, ये तस्वीर नए इंडिया के उदय की है। दरअसल एमपी के देवास में बच्चे उफनती शिप्रा नदी में ड्रम और रस्सी के सहारे उस पार जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि हिरली गांव में पांचवी के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए स्कूल ही नहीं है और अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ के बच्चे हर रोज नई तरह से जद्दोजहद करते हैं। यही जद्दोजहद लगभग 15 सालों से चली आ रही है। बता दें कि गांव के लोगों ने चंदा जुटाकर ये जुगाड़ की नाव तैयार की है, तब जाकर बच्चे पढ़ाई करने उस पार जा पाते हैं। हमारे गांव के सभी ने मिलके एक जुगाड़ी नाव बनाई है, उस पर बैठ के आते हैं। कम से कम 15 से 20 बच्चे बैठ के आते हैं हम उसको। अच्छा, कभी नदी पानी रहता तो फिर क्या करते हो आप? नदी में अगर पानी छूटने का होता है तो हमारे गांव के बड़े लोग हमको पहले से बोल देते हैं कि बेटा आज नदी में पानी आने वाला है, आज स्कूल मत जाओ, हम सर से बात कर लेंगे। पहले यहाँ पे कोई मंत्री भी रहे, वो कभी आए यहाँ देखने के लिए समस्या? हाँ, उन्होंने कुछ बोला था उनको बनाने के लिए? बोला था कि बनवा देंगे, काम लगवा देंगे, फिर ऐसा बोल के चले गए थे और फिर काम लगने का भी था लेकिन फिर रुक गया। टंकी के जुगाड़ के द्वारा नाव बनाई हमने, इस पे बहुत इस पे निकलना का रोज का काम है हमारा। 150-200 मजदूरी के काम के लिए रोज सांवेर तहसील में काम करने के लिए जाते हैं और 100 बच्चे रोज स्कूल इंदौर जिले का गाँव सिमरौड़ में जाते हैं। और जब से ये नाव हमने कम से 20 साल से नाव से निकलना चल रहा है हमारा, मतलब सोमवार सांवेर तहसील की खान नदी में हर 3 किलोमीटर पर पुल है और देवास जिले की शिप्रा नदी में 20-20 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। अगर हमको नदी के इस पार भी आना पड़ता है तो हम 60 किलोमीटर होकर चक्कर खा के इधर आते हैं। वहीं इस मामले पर एमपी के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमला बोला, लेकिन फिर कहा जिम्मेदारी हमारी है। मध्य प्रदेश का एक गांव है हमारा, जहाँ पे बच्चों को बरसात के दिनों में आने जाने की समस्या आती है। 15 साल की सरकार ने जो कुशासन किया उसी का मैं समझता हूँ ये परिणाम भी है। पर हमारी चूँकि जिम्मेवारी हमारी है, कमलनाथ जी की है, प्रभारी मंत्री होने के नाते जीतू पटवारी की है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था को जल्दी से दुरुस्त कैसे हो, परिवार के बच्चे बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, उनको आवागमन के लिए सुविधा कैसे मिले, इसको लेके मैंने मेरे संज्ञान में आई कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। 2-3 दिन में टेम्परेरी व्यवस्था होगी और आने वाले समय में परमानेंट। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, नए भारत के उदय में बच्चों का भविष्य अंधकार में जरूर है। देवास से न्यूज के लिए कल की राज डबी की रिपोर्ट।